नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #VSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के जज, जी हां दोस्तों, चंद्रचूड़ ने दे दिया ऐसा बयान कि केंद्र की मोदी सरकार में मचा हड़कंप। CGI DY चंद्रचूड़ बोले, संवैधानिक तंत्र तभी काम करेगा जब संसद, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट मौके पर आगे आए। लोकतांत्रिक तंत्र तभी काम कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट, संसद और चुनाव आयोग अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति से आगे आते हैं, और तभी लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ता है। ये यहां पर कहना है CGI DY चंद्रचूड़ का। उनका मानना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को हमेशा ही आगे रहना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों CGI का बयान सामने निकल के आया है। अगर आप लोग भी CGI DY चंद्रचूड़ के बयान से सहमत हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है, जहां पर RLD को बड़ा झटका लगा है। लोक दल के कार्यकर्ता अलीगढ़ के यहां पर जमालपुर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां जयंत चौधरी बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन RLD के कार्यकर्ता राहुल गांधी की न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सूत्रों के अनुसार खबर है कि बीजेपी वाले अब जयंत चौधरी को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, उनको मात्र 2 ही सीटें दी जा रही हैं। और RLD के सूत्रों का कहना है कि बात यहां पर 4 सीटों की हुई थी, यानी कि बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर से जबरदस्त झटका दे दिया है जयंत चौधरी को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर एक तरफ किसान लगातार डटे हुए हैं, तो वहीं खबर आ रही है कि RSS के किसान संगठन और बीजेपी में पड़ी फूट। RSS के किसान संगठन ने केंद्र सरकार के रवैये को बताया है खेदपूर्ण, बोले बातचीत आखिर क्यों नहीं कर रही है ये सरकार। भारतीय किसान संघ के प्रस्तुत प्रस्ताव में देश भर के किसानों की राय को रखते हुए महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने यहां पर कहा है कि देश के किसान संगठन अनुशासन व शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आकर के किसानों की समस्याओं व मांगों को रखना चाहते हैं, उसके बावजूद सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। किसानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, ये यहां पर कहना है दोस्तों RSS के किसान संगठन का। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे इस बार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है मामला बताते चलें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्षी गठबंधन इंडिया जबरदस्त तरीके से जुटा है। गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत पक्की हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बताते चले दोस्तों यहां पर आप लोगों को, इस बार लोकसभा के चुनाव में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दे रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मतदान कर रही हैं इस बार। दरअसल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा नई दिल्ली लोकसभा सीट के मतदाता हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के तहत यह सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। ऐसे में गांधी परिवार आगामी लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल इस बार के चुनाव में देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट के मतदाता हैं, और गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना वोट करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कर दी है यहां पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर के राज ठाकरे ने कहा है कि इसकी जगह पर बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर दुनिया में हर जगह पर मतपत्र से ही मतदान होता है तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आखिर क्यों होता है। दरअसल राज ठाकरे लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में अपने दौरे के तहत यहाँ पर कल्याण में पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहाँ पर तमाम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें से एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। यानी कि राज ठाकरे का मानना है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते, लेकिन यहां पर जब दुनिया के अंदर बहुत ही जो विकसित देश हैं उनके अंदर भी बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए चुनाव होता है, तो हमारे देश में आखिर क्यों मशीनों के जरिए चुनाव होता है, ये यहां पर सवाल खड़ा किया है राज ठाकरे ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, बिहार के अंदर चल रही है एक तरफा तेजस्वी यादव की लहर। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में उमड़ रहा है जनसैलाब। लालू यादव जैसी ही दिख रही है उनके प्रति लोगों की दीवानगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकार बदलने के साथ ही राज्य की राजनीति भी पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। आरजेडी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में भी बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। विधानसभा में दिए भाषण ने उन्हें देश भर में एक सुलझे हुए नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। अपने उस भाषण से तेजस्वी राज्य में पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, इसकी झलक उनकी जन विश्वास यात्रा में दिख रही है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव जहां से भी गुजर रहे हैं लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। 17 महीनों में बिहार में जितनी नौकरी दी गई उससे लोगों का तेजस्वी पर भरोसा और भी बढ़ गया है। लोग अब तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका बिहार से ही दोस्तों लगता हुआ नजर आ सकता है। एक तरफा लहर नजर आ रही है तेजस्वी यादव की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के दोस्तों खबर आ रही है। न्याय यात्रा पहुंची है आगरा। अखिलेश यादव यात्रा में हुए शामिल। इंडिया गठबंधन की जबरदस्त ताकत दिखी है, बीजेपी में पसरा सन्नाटा। जी हाँ दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 43वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रही है। यात्रा को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और वहीं न्याय यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। यात्रा आगरा पहुंची जहां पर सपा के हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर के लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।